नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 20 जून और आज की जो 6 बड़ी भर्ती है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की 6 बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया से आया है, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हो महिला पुरुष दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री या तो फिर डिप्लोमा की है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपके मेरिट के बेसिस पे भर्ती होगा। और कुछ वैकेंसी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज की 6 बड़ी वैकेंसी के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली के डेली बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेली के डेली बेसिस पे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ आज की 6 बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स आज का जो पहला वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट म्यूनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट एडिशनल इंजीनियर, ट्रेसर, वर्क असिस्टेंट क्लास 3, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1446 है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 16 जून से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट यहाँ पे दोस्तों 30 जून को रखा गया है। अगर हम बात करें पे स्केल की, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 19,950 रुपये, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 38,090 रुपये, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ड्यूटी इंस्पेक्टर के लिए 31,340 रुपये, म्यूनिसिपल इंजीनियर असिस्टेंट एडिशनल इंजीनियर के लिए 38,090 रुपये, ट्रेसर वर्क असिस्टेंट क्लास 3 के लिए यहाँ पे 19,950 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 34 साल, 36 साल, 38 साल, 20 से लेकर 41 साल रखा गया एज पर पोस्ट के हिसाब से। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू होगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा गुजरात में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आया है। यहाँ पे हेल्थ वर्कर पोस्ट के लिए वैकेंसी, टोटल नंबर वैकेंसी 660 है। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 10 जून से शुरू हो गया, लास्ट डेट 10 जुलाई को रखा गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 10 जुलाई को रखा गया है। पे स्केल आपका हो जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। एडुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है। एज लिमिट 17 से लेकर 35 साल। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें फॉर जनरल कैंडिडेट 200 रुपये, फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा UP में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आया है। चीफ अलॉटमेंट ऑफिसर, एडिशनल अलॉटमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट अलॉटमेंट ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,936 है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो मुख्य आवेदन अधिकारी है 151 वैकेंसी है। अतिरिक्त आवेदन अधिकारी के लिए यहाँ पे दोस्तों 792 वैकेंसी है। सहायक आवेदन अधिकारी के लिए 3,993 वैकेंसी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 4 जुलाई को रखा गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें पे स्केल आपका हो जाएगा 35,000 रुपये, 30,000 रुपये और 25,000 रुपये एज पर पोस्ट के हिसाब से। एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों डिग्री पास रखा गया है। यहाँ पे मुख्य आवेदन अधिकारी के लिए यहाँ पे अतिरिक्त आवेदन अधिकारी के लिए 12वीं पास और सहायक आवेदन अधिकारी के लिए 10वीं पास रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे मुख्य आवेदन अधिकारी के लिए 25 से लेकर 45 साल और अतिरिक्त आवेदन अधिकारी और सहायक आवेदन अधिकारी के लिए 21 से लेकर 40 साल रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, मुख्य आवेदन अधिकारी के लिए 944 रुपये, अतिरिक्त आवेदन अधिकारी के लिए 826 रुपये, सहायक आवेदन अधिकारी के लिए 708 रुपये रखा गया। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू होगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा ऑल इंडिया में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 491 है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 18 जुलाई को रखा गया है। पे स्केल आपका हो जाएगा 17,700 लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एडुकेशन क्वालिफिकेशन PG रखा गया। एज लिमिट 40 साल। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के 500 रुपये, फॉर SC ST PWD डिपार्टमेंट वोमेन एम्प्लॉय कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा थ्रू डिमांड आपके थ्रू। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन है, जॉब लोकेशन आपको हो जाएगा दिल्ली में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी तरफ से आया है, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रुप टू पोस्ट के लिए वैकेंसी, टोटल नंबर वैकेंसी 79 है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 3 जुलाई को रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें पे स्केल की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये लेवल 2 के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास ITI रखा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें URBC EDLS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा थ्रू डिमांड आप। सिलेक्शन आपका OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन है, जॉब सिलेक्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे TN स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से आया है, फेलो सीनियर फेलो पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 152 है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे 30 जून को रखा गया। पे स्केल आपका हो जाएगा फेलो के लिए 32,000 रुपये, सीनियर फेलो के लिए 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी डिग्री रखा गया। यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करें एज पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से एज लिमिट रखा गया है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू थ्रू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जॉब सिलेक्शन हो जाएगा तमिलनाडु में। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की 6 बड़ी वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।